गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल और आज हम करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड टॉपिक जो है हमारा कि जो हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसकी जो स्टेजेस क्या क्या थी डिफरेंट स्ट्रेंड विद इन द मूवमेंट के बारे में तो आपको मैं जैसे बता दू हमने ऊपर जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपके चैनल में अपलोड की हुई है जो उसका फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन उसके बारे में और अब हम पढ़ेंगे जो ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट थी ये कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह से जो हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो इम्प्लीमेंट हुई थी तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो 1921 के अंदर जनवरी में जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है जो वो स्टार्ट की गई इसमें डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उन्होंने जो था वो पार्टिसिपेट किया था और जो सारे लोग थे वो क्या थे वो सब जाने इकट्ठे मिलके ये चाहते थे कि हम जो है सब जो हमारा है वो हमें मिल जाए तो ये जो मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसके डिफरेंट इम्पैक्ट थे तो आप इसके अंदर उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट इन टाउंस के अंदर कि टाउन्स के अंदर ये मूवमेंट कैसी थी तो ये मूवमेंट थी ना टाउन्स के अंदर ये स्टार्ट की थी मिडिल क्लास लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए थाउजेंड ऑफ जो बच्चे थे उन्होंने अपने स्कूल जो थे वो छोड़ दिए थे कॉलेजेस जो थे हेडमास्टर टीचर्स ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया था लॉयर्स जो थे लीगल प्रैक्टिस थी इन सब ने क्या कर दिया अपनी जो भी इनकी जॉब थी उन जॉब्स को क्विट कर दिया उन्होंने बंद कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे है, जो काउंसिल ऑफ इलेक्शंस थे बहुत जगह पे मत वो क्या हुए थे बायकॉट हो चुके थे यानी बहुत ऐसी जगहें थी जहां पे जो इलेक्शंस थे वो नहीं हो रहे थे बट सिर्फ एक मद्रास ही था जहां पे जो पार्टी के लोग थे वो ये मानते थे कि हमें जो था वो इस तरह से प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है कि हमें सब कुछ बायकॉट करने की जरूरत नहीं है हम एक पार्टी का हिस्सा बनकर भी ये सब कुछ कर सकते हैं इसीलिए जो उनको ये लगता था कि ये एक वे है मोर पावर गेन कर सकते हैं सो so इसीलिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो चुकी थी जो फॉरेन गुड्स थे वो बाइकआउट हो चुके थे लिकर शॉप जो थी वो पिकटेड हो चुकी थी यानी कि उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया बंद कर दिया गया एंट्रेस बंद कर दी गई फॉरन क्लोज जो था उसको बहुत बड़ी बोन फायर के अंदर जलाना शुरू कर दिया जो ये इम्पैक्ट था फॉरन क्लोथ का वो नाइनटीन ट्वेंटी उसकी वैल्यू कम होगी हाफ से भी ज्यादा कम हो गई थी 102 से मान लो आप जो उसकी वैल्यू थी वो वो करोड़ जो थी वो पहुंच चुकी थी जो मर्चेंट ट्रेडर्स थे इन सब ने क्या कर दिया था फॉरन जो ट्रेड था है ना इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे जैसे ही जो मूवमेंट थी इसमें सब कुछ बायकॉट होने लग गया जो लोग थे उन्होंने जो क्लोथ से सब कुछ को मतलब यूज करना बंद कर दिया और इंडियन टेक्सटाइल को जो थे हैंडलूम्स को उन्होंने जो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया यूज करना स्टार्ट कर दिया और इसको बिजनेस हो गया तो जो हमारा इंडियन मार्केट था वो एकदम बूम अप हो गया यानी कि वो ज्यादा बढ़ गया पर ऐसे ही हमें ये चीज पता है कि इतने सारे फायदे होने के बावजूद इस मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी थी वो क्या थी हम वो देखते हैं ये जो मूवमेंट थी सिटीज के अंदर धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो गई उसके कुछ रीजन आप है आपको यही आएगा कि वाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज बिकॉज जो खादी क्लोथ था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था और बहुत ज्यादा जो लोग थे वो जो थे पुअर थे और पुअर लोग जो था इतना एक्सपेंसिव क्लोथ को बाय नहीं कर सकते थे इसीलिए वो बहुत ज्यादा टाइम तक मिल के क्लोथ को बाइकआउट नहीं कर पाए यानी कि जो फॉरनर क्लोथ उसको बाइकआउट नहीं कर पाए इन द सेम वे जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे उनकी भी एक प्रॉब्लम थी फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल उन्होंने ऑल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन जो थे वो सेटअप होने थे अब यहाँ पे क्या था आपको ये चीज बोल रहे हैं कि मान लो अगर आपने इस चीज को कर दिया बैन की हम यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदेंगे ठीक है तो आपके पास कोई दूसरा रिसोर्स तो होना चाहिए ना जिससे आप उस चीज को बाय करोगे अगर आप ब्रिटिशर्स के कॉलेजेस को स्कूल को बैन कर रहे हो तो देन यू नीड टू सम आपको चाहिए कि हमारे पास कोई इंडियन जहाँ हमारी गवर्नमेंट हमें कोई ऐसा स्कूल कॉलेजेस और गवर्नमेंट जॉब्स और ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे बट उस टाइम पीरियड पे ये ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो इसी करके जो लोग थे वो ज्यादा देर जो थे उस मूवमेंट के अंदर नहीं रह पाए उन्होंने जो मूवमेंट में से बैक स्टेप कर लिया अपने और उन्होंने दोबारा ये सारी जगहों को ज्वाइन कर लिया था तो आप इसमें यह चीज बच्चे ध्यान से याद रखिएगा कि जो मूवमेंट थी इन टाउन्स के अंदर वो कैसी थी यानी कि जो मूवमेंट टाउन्स के अंदर थी पहले पहले तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई सब कुछ हुआ बाइकआउट हुआ ये हुआ बट आखिरकार जब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे तो उन्होंने आखिरकार मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया मतलब उसका अपना जो इंटरेस्ट था सिटीज के अंदर मूवमेंट का वो खत्म हो गया